पाकिस्तान के इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर ट्रेलर खाना बदोश की झोंपड़ी पर उलट गया। तीन बच्चों और खातून समेत चार अफराद जाँ बहक, ड्राइवर मौका से फरार। असद दुरानी की किताब पर फौज को तहफ़ुज़ात, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी को 28 मई को जीएचके तलब कर लिया गया। किताब सपाई क्रॉनिकल्स में उनसे मंसूब बयानात पर वजाहत तलब। नवाज शरीफ का असद दुरानी की किताब पर इजहार तशवीश, क्या इस पर भी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा? साबिक वजीर आजम का सवाल, कहा हिसाब किताब का वक्त आ चुका है, अब सबको हिसाब देना पड़ेगा। मुल्क में दो दो तीन तीन हुकूमतें एक साथ नहीं चल सकती। आसिफ अली जरदारी की तोहफे का रुख नवाज शरीफ की तरफ, साबिक सदर का कहना है नवाज शरीफ को अपनी बेटी की पेशी का अफसोस हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो को भी कभी कटहरे में खड़ा किया जाता था, हम एस्टैब्लिशमेंट नहीं पाकिस्तान के साथ हैं। मियाँ साहब बताएं वो पाकिस्तान के साथ हैं या नहीं? नवाज शरीफ हमसे डबल गेम खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं। अगला वजीर आजम और वजीर आला पंजाब भी मुस्लिम लीग नून से होगा। मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई जमात वोट की हकदार नहीं, जो पार्टी का वफादार नहीं वह मुल्क का भी वफादार नहीं। मुस्लिम लीग नून छोड़ने वालों को आवाम मुस्तरद कर देंगे, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शेखुपुरा में तकरीब से खिताब। और लॉस्ट टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत, दूसरे रोज का खेल शाहीनों की पहली इनिंग्स की बैटिंग, कौमी टीम को 166 रन की बढ़तरी हासिल, आठ खिलाड़ी आउट, अजहर अली, बाबर आजम, असद शफीक और शादाब खान की निस्फ। लॉस्ट टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत।